तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा और आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स सत्या में। जी हाँ दोस्तों, जो भी स्टूडेंट 10th और 12th इस बार पास कर चुके हैं उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार की तरफ से एक अपकमिंग वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें कि 7000 पोस्ट के लिए आवेदन होना है। जी हाँ दोस्तों, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है। जो भी 10th पास कर चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में दोस्तों जानेंगे कि किस पदों के लिए कितने वैकेंसी आए हुए हैं और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। स्टार्ट कब से होने वाला है ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। पूरा प्रोसेस के साथ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर भी कोई क्वेरी रह जाता तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में वहाँ जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अपकमिंग वैकेंसी के बारे में जानने से क्या फ़ायदा है ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप अपकमिंग वैकेंसी के बारे में जानते हैं पहले से, क्योंकि ये जो वैकेंसी आने वाला है इसका ड्यूरेशन 5 से 10 दिन इतना ही रहेगा, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट का छूट जाता है। तो आपको ये ना अपकमिंग वैकेंसी के बारे में जानने से ये फ़ायदा है कि आप लोग पहले से प्रोसेस जान के रखोगे तो कौन कौन सी गलती नहीं करना है फॉर्म भरने टाइम, वो सारा जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट biharhat.in पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद देख रहे हैं दोस्तों, बिहार पैरामेडिकल रिक्वायरमेंट 2022, कुल 7000 पदों पर पैरामेडिकल कर्मियों का नियुक्ति, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। पूरा जानकारी इस एड में दिया हुआ है, पॉज करके देख सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। ना थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नेम क्या है, बिहार पैरामेडिकल रिक्वायरमेंट्स 2021। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नीचे आके बात कर लेते हैं नेम ऑफ द एजेंसी, जिस एजेंसी के थ्रू ये लिया जाएगा वैकेंसी, भर्ती लिया जाएगा, तकनीकी चयन सेवा आयोग के द्वारा लिया जाएगा। बात कर लेता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे पहुँचना है आपको, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँचने के लिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। यहाँ सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आ चुका है आपके नीचे, यहाँ पे आप आके देख सकते हैं। यहाँ आने के उसके बाद चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ, ये सारा जानकारी इसमें है कि कुल कितने किन किन पदों के लिए है। चलिए यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे पेपर कटिंग है, उसको मैं पढ़ के आपको मैं दिखाता हूँ। 7000 से अधिक पैरामेडिकल कर्मियों की होगी नियुक्ति, बिहार में 7000 से अधिक पदों पर पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चिकित्सकों में विशेषज्ञ के द्वारा यहाँ पे पद का नामांकन होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नीचे बात कर लेते हैं कि किन किन पदों के लिए कितना कितना वैकेंसी है, वो कुछ यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है दोस्तों कि 1539 फार्मासिस्ट के लिए है, 1638 पोस्ट ड्रेसर के लिए है, और यहाँ पे बात कर लेता हूँ 1638 पोस्ट ड्रेसर के लिए है, 1096 पोस्ट जो है ऑटो सहायक के लिए, ओटी सहायक के लिए यहाँ पे दिया गया है, और लास्टली यहाँ पे ECG तकनीशियन के लिए 163 पोस्ट दिया गया है। साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन के लिए 1772 पोस्ट के लिए नियुक्ति यहाँ पे ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये सारा कुछ यहाँ पे है। चलिए मैं अब नीचे बात कर लेता हूँ क्या लिखा हुआ है सारा कुछ। यहाँ पे बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार इन सभी पदों में सिर्फ ड्रेसर के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य आधारित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैट्रिक लेवल पे आप सिर्फ ड्रेसर के लिए यहाँ पे भर सकते हैं, अदरवाइज और भी जो फार्मासिस्ट वगैरह सब के लिए है उसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, जबकि शेष अन्य पदों के लिए इंटरमीडिएट विज्ञान एवं साइंस से पास होना अनिवार्य है। अन्य सभी पदों के लिए जैसे फार्मासिस्ट हुआ, ओटी सहायक हुआ, या फिर ECG सब के लिए हुआ, तो यहाँ पे संबंधित क्षेत्र में विशेष योग्यता निर्धारित की गई है। राज्य में वर्तमान में ANM के तहत करीब 20,000 से अधिक मेडिकल कर्मियों की संविदा के आधार पर तैनात थे। जी हाँ दोस्तों, कोविड के केस में जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब 20,000 से अधिक ANM जो थे, जी हाँ दोस्तों, वो सब नियुक्त थे, काम कर रहे थे जोर शोर से, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कोरोना काल में संविदा पर तैनात पैरामेडिकल कर्मियों ने कोरोना जांच पर टेक्नीशियन अभियान में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम किया था। तो ये सारा जानकारियाँ था आप लोगों के लिए। जैसे ही इसका आएगा रिक्वायरमेंट
तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए लेके आऊँगा और फुल प्रोसेस में लाइव प्रूफ में भर के मैं दिखाऊंगा किस तरीके से भरना है और कौन कौन से मिस्टेक से भरना बचना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक ना जरूर कर दें, साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए वीडियो में इतना ही था, वीडियो को लास्ट एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।